हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट पावरफुल फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 30,000। वैसे तो इस बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट हमने उन्हीं 5 स्मार्टफोन को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि एकदम बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपका तो हक बनता है एक बढ़िया एंड बेस्ट लेवल का स्मार्टफोन लेने का। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन 5 स्मार्टफोन को चुना है। अब मैं बताता हूँ कि हमारे वीडियोस के अंदर आपको हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर IP68 का सर्टिफिकेशन होगा, जिससे कि फ़ोन जो है वाटरप्रूफ देखने को मिल जाएगा। 12 GB का बड़ा रैम होगा। तगड़ी गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का 5G चिपसेट होगा, जिसका अंततः स्कोर 1.5 मिलियन के करीब में होगा, मतलब कि 15 लाख। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको टॉप लेवल का मिल जाएगा। DSLR लेवल का कैमरा होगा, जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे या फिर HD लेवल के फोटोज़ निकाल पाओगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, इसको चार्ज करने के लिए 125 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी होगा। 4000nits का पीक ब्राइटनेस होगा, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई इशू नहीं होगा। 3.5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। ओवरऑल आपको सब कुछ बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है, मोटो की तरफ से मोटो एज 50 प्रो 5G। अगर आपको एक प्रीमियम एंड फ्लैगशिप फीचर वाला एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD+ 1.5K PoE डिस्प्ले देखने को मिलता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी। 2000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी सुन नहीं होगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी डिस्प्ले ज़बरदस्त रहेगा। कर्व डिस्प्ले है तो कॉन्टेंट वॉचिंग में काफ़ी मज़ा देने वाला है। फोन को लगने के लिए इंडिस ब्लॉक है, 8.1mm का थिकनेस है, 186g वेट है। ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। गाइस, इसमें आपको 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4500mAh का बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 125 वाट के इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंततः स्कोर 8,50,000 के करीब है। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, बट इससे आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन है बैलेंस स्मार्टफोन है। अगर आपको कैजुअल लेवल की गेमिंग करना है, देन आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP+13MP+10MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 32MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 29,999 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट प्रीमियम एंड फ्लैगशिप फीचर वाला स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो थोड़ा सा और अगर तरफ बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है, वो रियलमी की तरफ से रियलमी 13 Pro Plus 5G। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है, 8.2mm का थिकनेस है, 185g वेट है। IP65 का सर्टिफिकेशन है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को लगाने के लिए इंडिस ब्लॉक देखने को मिलता है, एंड ये जो स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। ऐसे इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5200mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का फुल HD+10 bit AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी। 2000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी सुन नहीं होगा। कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो बेजल्स भी ना के बराबर देखने को मिलते हैं, कॉन्टेंट वॉचिंग में काफ़ी मज़ा देगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP जिसमें अगला OIS का सेंसर प्लस 50MP+8MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा 32MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, डे लाइट हो या फिर लो लाइट, दोनों में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। कैमरा यूजर्स आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो।
अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का 5G चिपसेट और जो इसका अंत होता है 86,000 के करीब में है। कैसे इससे आप कैजुअल लेवल की गेमिंग कर सकते हो एंड अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन आगे आने वाले स्मार्टफोन को आप ले सकते हो। ये जो स्मार्टफोन है टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 32,999 रुपये यानी कि 33,000 रुपये, 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर, देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन आपको 30,000 में देखने को मिलेगा। बट गाइस अगर ये जो स्मार्टफोन आपको 32 से 33,000 में देखने को मिले देन आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना। बड़े थोड़ा सा और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो ऑनर की तरफ से ऑनर 200 5G। बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आपको 30 से 32,000 में मिल जाएगा एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है। ये प्रीमियम लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ग्लास का बैक देखने को मिलता है, 7.7mm का थिकनेस है, 187g वेट है, IP55 का सर्टिफिकेशन है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को लेकर एक लेंस ब्लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। कैसे इसमें आपको 2 major एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5200mAh का बैटरी देखने को मिलता है एंड ये जो स्मार्टफोन 100W का चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। बट गाइस अडैप्टर इन द बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, बाहर से आपको अडैप्टर खरीदना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का 1.5K 10-bit OLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 4000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 50MP प्लस 12MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 50MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। कैमरा यूजर्स आप इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके ले सकते हो। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत होता स्कोर 8,20,000 के करीब में। परफॉर्मेंस वाइज डिसेंट टाइप का रहेगा, मतलब इससे आप टॉप लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे, मतलब आप जितना पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप टॉप लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे। बट बाकी फीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको कैजुअल लेवल की गेमिंग करना है देन आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। और गाइस अगर आपको हाई लेवल की गेमिंग करना है देन आगे आने वाले दो स्मार्टफोन हैं उनमें आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही बाकी फीचर्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े होंगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 34,999 रुपये यानी कि 35,000 में, 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर, देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन 32,000 में देखने को मिलेगा। बट गाइस आई विल सजेस्ट कि 31 से 32,000 में ये स्मार्टफोन मिले तभी लेना। अगर 35,000 का बजट होगा देन आप इस स्मार्टफोन को मत लेना, इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। बड़े थोड़ा सा और तरफ बात कर लेते हैं सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट 4 5G। अगर आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए वन प्लस की तरफ से देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स एकदम बेस्ट लेवल के मिल जाते हैं, मतलब इसमें आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यूनिक डिज़ाइन आता है, 8.8mm का थिकनेस है, 200g वेट है, IP65 का सर्टिफिकेशन है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को लगने के लिए इंडस ब्लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 4 major एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 6 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5500mAh का बड़ा बैटरी देंस को चार्ज करने के लिए 100W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.74 इंच का 1.5K 10-bit फुल वेड एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी। 2150 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। बेजल्स काफ़ी कम है तो कंटेंट वाचिंग में काफ़ी मज़ा देगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसका फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रहेगा या फिर डिजाइन टाइप का बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत होता है 1.3 million के करीब में। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पे किसी भी गेम हाई ग्राफिक्स वाले गेम को लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो।
अगर आपको गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ ही बाकी फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े लेवल वाले चाहिए, देन आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 29,999 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो में थोड़ा सा और एक बार तरफ बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको F6 5G। अगर आपको 30,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप क्लियर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ ही बाकी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल वाले चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस तो तगड़ा मिलेगा, इसके साथ ही बाकी फीचर्स एकदम हाई लेवल के हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 128 के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 2400 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। फोन को लगने के लिए इंडिस ब्लॉक है, IP69 का रेटिंग है। ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं। कैसे उसमें आपको 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, 4 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी है इसको, चार्ज करने के 90W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का 5G चिपसेट, जो कि 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसका जो अंततः स्कोर 1.5 मिलियन के करीब में है, मतलब कि 15 लाख। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा। इस बजट में ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा आपको परफॉर्मेंस दे देगा, इससे आप लो टू हाई सेटिंग पे किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को लॉन्ग टर्म तक ईजिली खेल सकते हो। गेमिंग यूजर्स आप इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके ले लेना। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसका फ्रंट में लगा 20MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, और फ्रंट वाले कैमरे से आप 1920 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, डे लाइट या फिर लो लाइट दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 29,999 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट पावरफुल फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन अंडर 30,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर अंदर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।